सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। वैगनर ग्रुप की ऐसी सलाह सामने आई है जिसके दो मायने सामने आ रहे हैं। वैगनर ग्रुप के हेड ने व्लादिमीर पुतिन से कहा है कि रूस को जीत का ऐलान कर देना चाहिए। जी हाँ, चौके नहीं, ये बात बिल्कुल हकीकत है। रिपोर्ट आपके सामने है, बिना सबूत के आपके सामने एक जुमला भी नहीं बोलूंगा। रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि वैगनर ग्रुप ने कहा है कि रशिया को जीत का ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि जो पुतिन का रूस का मकसद था वो पूरा हो गया है और यूक्रेन के इलाके हमारे कब्जे में हैं। अब इसका जो दूसरा मतलब निकाला जा रहा है वो ये है कि वैगनर ग्रुप और रूस दोनों एक ही हैं, यूक्रेन में भारी नुकसान झेल रहे हैं और अब रशिया और ज़्यादा नुकसान झेलने के काबिल नहीं। रशिया पहले से ही बहुत कमज़ोर हो चुका है और ये लंबी जंग चली तो रूस का भारी नुकसान होगा। इस वजह से वैगनर ग्रुप ने ये बात कही है। आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा। उधर जो मैंने आपसे कल अर्ज किया था, ये देखिए उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करी है। व्लादिमीर पुतिन ने जमकर उनका स्वागत किया है, काफ़ी इज्जत बख्शी है। और चीन के डिफेंस मिनिस्टर के साथ साथ जो आप तीसरे शख्स को देख रहे हैं वो हैं रूस के डिफेंस मिनिस्टर, और सामने बैठे हैं व्लादिमीर पुतिन। और ये टेबल काफ़ी लंबी चौड़ी नहीं थी, जैसा आप पहले देख चुके हैं कि व्लादिमीर पुतिन लॉन्ग टेबल पर बैठते थे ताकि सामने वाला अगर कुछ हरकत भी कर दे, हमला करने की कोशिश भी करे तो व्लादिमीर पुतिन तक ना पहुंच पाए। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी टेबल पर बेहद करीब बैठकर चीन के डिफेंस मिनिस्टर से बात करी है। दोस्तों, उधर जो चीन के मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि रूस हमारा काफ़ी मजबूत साथी है और हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। दूसरी तरफ इस बात पर मेरी ध्यान दीजिएगा कि रशिया और चीन के बीच जो भी अंदरूनी बात हुई है वो पुतिन तो बताएंगे नहीं और चाइना दिखाएगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पहले से ही यूरोप चीन के खिलाफ है और एक बार फिर से चीन पर जो नहीं भड़कता वो भी भड़क जाएगा। वहीं दोस्तों, रूस के बेलगोरोड के इलाके में थर्मल पावर प्लांट था रशिया का, यूक्रेन के कैमिकाजे ड्रोन ने जाकर वहां पर अटैक किया और वो पूरा बर्बाद हो गया। रूस को तगड़ा झटका। उधर हिम्मत तो सिर्फ ईरान के बाद ब्राजील ने दिखाई है। ब्राजील ने साफ कह दिया है, ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका को यूक्रेन की जंग उकसाना कम कर देना चाहिए। ये जो इलाके में माहौल बनाया हुआ है ये अमेरिका ने बनाया है अपने मफाद और फायदे के लिए। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के इस त्यौहार पर ताज़ा तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये देखिए, कैदियों की अदला बदली करी है। रूस ने यूक्रेन के 130 कैदियों को छोड़ा है, वहीं यूक्रेन ने रशिया के लगभग उसने भी 130 कैदियों को, दोनों देशों ने 130 कैदियों को रिहा किया है। उधर दोस्तों, जो बात मैं आपसे कह रहा था वो हो गई है। हालांकि सीक्रेट डॉक्यूमेंट में ये बात सामने आई थी, अमेरिका का अटैक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी यूक्रेन उड़ा रहा है और इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने इसका खुलासा नहीं किया था, लेकिन देखिए। अब एक बड़ी खबर, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर आज इराक पहुंच सकते हैं और इराक से काफ़ी लंबी चौड़ी और कई तरह की बातें हो सकती हैं। और इराक मुस्लिम मुल्क है, अगर इराक यूक्रेन का साथ देता है तो इराक अपने साथ साथ कई देशों को और यूक्रेन का साथ देने की बात कह सकता है। रूस की गवर्नमेंट बड़ी तेज़ी से
काम कर रही है उन इलाकों में जहां पर यूक्रेन की ज़मीन पर कब्जा किया है। अब खबर यह है कि जिन यूक्रेन के इलाकों पर रूस ने कब्जा किया है वहां के यूक्रेनी लोगों को रूस की नागरिकता, रूस का पासपोर्ट और रूस की आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है। वहीं रूस ने काफ़ी घटिया काम करते हुए चर्च पर हमला कर दिया यूक्रेन के। जी हाँ, ऑर्थोडॉक्स जो खुद देखिए दोनों देशों में ईसाई समुदाय के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, ऐसे में खुद एक ईसाई मुल्क होके दूसरे देश पर जंग के नाम पर ईसाइयों के यानी अपने ही गिरजाघर पर, क्योंकि वो यूक्रेन का है तो उसको उड़ा दिया, जिसमें 2 से 3 आम नागरिक बुरी तरह से घायल हुए। देखिए उधर भारत रशिया के साथ नजर आ रहा है शुरू से अब तक, और अमेरिका रशिया से भारत को दूर करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने फोन पर बात करी है। रूस का भारी भरकम पिछले 24 घंटे में नुकसान हुआ, कई इलाकों पर बड़े हमले हुए, रूस के अंदर भी हमले हुए। बौखलाहट में फिर रशिया ने वही किया जो वो कर सकता था, रशिया ने अपने परमाणु बॉम्बर को आसमान में उड़ाना शुरू कर दिया। याद रहे कि पोलैंड यूक्रेन का साथ देने के लिए 10-10 फीट ऊपर उछल रहा था कि हम आपके साथ हैं, हम आपके। अब कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। पोलैंड और हंगरी दोनों ने यूक्रेन से खाद्य पदार्थ, अनाज, सब्जियां ये सब इंपोर्ट करना बंद कर दिया है और कहा यह है कि अब हम अपने देश की खेती बाड़ी को प्रमोट करेंगे, भाई हम आपके यहाँ से अब कोई साजो सामान नहीं लेंगे। इस पर यूरोप यूनियन भड़क गया है और कहा है कि ये आपके इरादे सही नहीं लग रहे, ऐसे बुरे मुश्किल वक्त में आप यूक्रेन को तनहा छोड़ रहे हो। उधर कैमिकाजे अटैक ड्रोन से, सुसाइड ड्रोन से रशिया ने यूक्रेन के बर्तानियन मेड टैंकों को तबाह किया है। वहीं यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे सैनिकों की मौत सिर्फ उतनी हुई है जितने भूकंप में तुर्की में लोग मारे गए थे, यानी इनका कहने का मतलब है कि 50 से 60 हज़ार के बीच इनके सैनिक मरे हैं। लेकिन अमेरिका के पेंटागन की लीक डॉक्यूमेंट में साफ साफ ये है कि 1.5 से 2 लाख सैनिक यूक्रेन के मारे जा चुके हैं। आपकी जनरल नॉलेज के लिए चाहे आप भारत में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं और हो, बताना ज़रूरी है, नॉलेज बढ़ा रहा हूँ आपकी, कि जो हैकर्स होते हैं ना और जो गैंगस्टर होते हैं, हैकर्स और गैंगस्टर दुनिया में सिर्फ रशिया में सबसे ख़तरनाक हैं। यहाँ का जो हैकिंग ग्रुप है ख़तरनाक है। अब सरकारी हैकर्स का ग्रुप जर्मन लोगों को फंसा रहा है, उनसे जानकारी हासिल कर रहा है, इंटेलिजेंस हासिल कर रहा है ऑनलाइन, और उनको बेवकूफ़ बना के सोशल मीडिया के ज़रिए। टिंडर ऐप आपने इस्तेमाल किया होगा, किया तो ज़रूर होगा, चिचियाइए नहीं। भारत में सिंगल लौंडों की संख्या बहुत है और डेटिंग ऐप तो लौंडों के मोबाइल में मिलती ही मिलती है। ये टिंडर आपने सुना होगा, स्वाइप राइट स्वाइप, अब तो भाई वहाँ ऑप्शन आते हैं लौंडियों के, तो यहाँ तो भारत में ऐसे लोग हैं लेफ्ट स्वाइप कोई नहीं करता, सब राइट, आँख बंद करके कोई तो मिलेगी, है ना। तो ऐसे ही जो है इसी ऐप का इस्तेमाल करते हुए रूस के जो
जासूस हैं, वो इसी ऐप का इस्तेमाल करके जर्मन से और अफसरों से लौंडिया बन के बात कर रहे हैं और बातें निकलवा रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको अब एक घातक टैंक दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये यूक्रेन की सरजमीन पर यूक्रेन की सेना एक भारी भरकम घातक टैंक लेकर दौड़ रही है। ये अभी तक का यूक्रेन में सबसे ख़तरनाक दिखने वाला टैंक है। ये अमरीका ने सप्लाई किया है टैंक। यूक्रेन के सैनिक खुशी से पागल हो गए हैं। ब्रैडली IFV ये ख़तरनाक टैंक यूक्रेन में यूक्रेन के सैनिकों के हाथ में है। उधर फिनलैंड भी रूस से कहीं ना कहीं डर रहा है, तो रूस से लगे हुए अपने बॉर्डर पर फेंसिंग यानी तार, कांटे वाले तार लगाना शुरू कर दिए हैं। रूस के कैफे में याद होगा ब्लास्ट हुआ था, एक महिला ने जाके बम रख दिया था, जिसमें रूसी कहीं का गया पूर्व सैनिक था, कहीं का गया यूट्यूबर था, ब्लॉगर था, जो भी था। ईस्टर के त्यौहार के दिन रशिया ने उसी की वीडियो सारे रशिया में बड़ी बड़ी स्क्रीन पर चलाई और लोगों को मोटिवेट किया जंग के लिए। Каждый христианин должен приветствовать всегда этими словами друг друга, потому что Христос воскрес не только сегодня, Он воскрес всегда. И мы в первую очередь хочу поздравить всех с этим праздником. Главный праздник христиан – это воскресение Иисуса Христа. Однажды мы все умрем, и однажды мы все воскреснем. В этом благая весть. С нами воскреснут наши командиры Моторола, Клуни, Воха, все остальные, батя, все воскреснут, и мы вместе будем в одном строю. В каком мы теле будем, мы не знаем. Мы не знаем, насколько, как это будет, когда это будет, но мы точно знаем, что однажды это произойдет. И я хочу всех ободрить, всех, кто потерял близких сегодня, что Христос... Удар Украины, के डिफेंस मिनिस्टर ने एक бар फिर से रोते रोते कह दिया है, मतलब हमेशा ही रोते रहते हैं ससुर के नाती, कह रहे हैं कि वेस्ट हमें वो सब कुछ नहीं दे रहा है जो रशिया से जीतने के लिए हमें चाहिए। अब क्या मतलब, बच्चे की जान लोगे, सीना चीर दें क्या? मतलब पूरा यूरोप अंधा पैसा दे रहा है अपने देश के नागरिकों पे। अगर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका ये सब अपने नागरिकों पे पैसा खर्च करें, भाई साहब हर बंदा मालामाल हो जाए। लेकिन तमाम हथियार, तमाम देश भर का पैसा यूक्रेन की झोली में डालने के बाद भी ससुरे को कम लग रहा है। इसके अलावा रूस के हवाई हमलों में यूक्रेन के कई सारे डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने फिर से कहा है कि चाइना को डायरेक्ट यूक्रेन से बात करनी चाहिए। उधर यूक्रेन के डोनेस के इलाके में प्ले स्कूल में यानी बच्चों के नर्सरी स्कूल में रूस के हमलों के बाद आग लग गई। मेरे दोस्तों ये जंग कहाँ जाके रुकेगी नहीं पता, लेकिन जंग ऑलरेडी बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पर आ चुकी है। कब कौन सा देश खुलकर अचानक से सीधा रूस के खिलाफ मैदान जंग में उतर आए, अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन खुलासा ये हो चुका है कि दुनिया के बड़े बड़े देशों की सेनाएं, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, न्यूयॉर्क और कैनेडा भी, इनकी तमाम अलग अलग बटालियन इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं और रशिया से लड़ रही हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रोज़ जो मैं बोलता हूँ आपसे, कभी तो मान लिया कीजिए। लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कीजिए। इससे होगा ये कि जैसे ही हम यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगी कि RazaGraphy ने ये वाला वीडियो अपलोड कर दिया है। भाई साहब जाके देख लीजिए, और वीडियो देखते ही आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए मोदी जी वाले आ जाएंगे। जय हिंद।